पुलवामा बरसी के मौके पर बजरंग दल ने भी आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि आज के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में ना मनाकर इसी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा हमले में हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। सर बताइए। सर, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज उनकी तीसरी बरसी है। आज से ठीक 3 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान एक ही दिन में जो है वो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो देश के लिए बलिदान कर दिया। आज उनके बलिदान को याद करते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा देश उन शहीद जवानों के परिवारों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कभी भी उन परिवारों को हमारी जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज का दिन लोग वैलेंटाइन डे के तौर पर मना रहे हैं, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इन जवानों से सीखिए कि किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दिए जाते हैं। आज भगत सिंह से सीखिए, राजगुरु जी से सीखिए, इन सभी से सीखिए कि किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दिया जाता है, और उनके पत्तियों पर चलना सीखिए, ताकि देश सर्वोपरि है। और ये वैलेंटाइन डे जो व्यापार का अड्डा हमारे देश में बन चुका है, इस अड्डे को खत्म करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए जो है हमारे यहाँ से निवेश जो है वो बाहर होता है, और ये लोग ले जाते हैं जो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। एक वैलेंटाइन डे जो है वो किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं लोग, हमारे कल्चर को खत्म करने की साजिश है। इस हम अपनी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देंगे। हम वार्न करते हैं उन लोगों को जो पार्कों के अंदर नंगा नाच खेलते हैं। हम सरकार को भी कहना चाहते हैं कि ऐसी शक्तियों को जहां से दूर करे। अनस्तर राष्ट्रीय बजरंग दल को खुद मैदान में आना पड़ेगा। आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और आज हम उनको अपने वीर जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं सच्चे दिल से। और देश के लोगों से ये अपील करते हैं कि इन लोगों को के श्रद्धांजलि दें और आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाएं।